लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर की सहयोगितागंज छावनी अनाज मंडी में कोरोना वायरस से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छावनी की अनाज मंडी में जहां सभी व्यापारियों के हाथ सैनिटाइजर से धुलवाकर कारोबार की शुरुआत की गई। इंदौर अनाज व्यापारी मंडी के सचिव पर्वत सिंह ने बताया कि आज छावनी मंडी और पक्की मंडी में लगभग 1000 से अधिक मास्क सभी व्यापारियों, हम्मालों और किसानों को लागत मूल्य पर उपलब्ध कराए गए हैं। मंडी में अब सभी व्यापारी, हम्माल, किसान मास्क लगाकर कामकाज कर रहे हैं। इन दिनों छावनी अनाज मंडी में गेहूं और चने की बम्पर आवक हो रही है, जिसके चलते उनके दामों में भी अच्छा भाव देखा जा रहा है। बात करें तो 12 से 13,000 बोरे गेहूं और 7,500 बोरे डॉलर चने की आवक हुई है। टोटल देखा जाए तो 20 से 25,000 बोरे रोज मंडी में आ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के असर के बारे में पूछने पर मंडी सचिव ने बताया कि मंडी में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यापारियों और हम्मालों को लागत मूल्य पर मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। संयोगता छावनी मंडी में मेन आवक जो है, उपज जो है हमारे पास है, अभी गेहूं की आ रही है और गेहूं की बहुत ज़्यादा आवक है। कल भी हमारे यहाँ कम से कम 12 से 13 हज़ार कुंटल बोरे आवक हुई है। आज 13-14 हज़ार कुंटल आज गेहूँ की आवक है। डॉलर चने की आवक जो है 7,500-7,500 है और यहाँ कम से कम सभी जींस बिकती, 4-5 जींस बिकती है, सब मिला के 20 से 25 हज़ार बोरी की आवक हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर क्या सतर्कता बरती जा रही है? हमारे यहाँ पे जो है कर्मचारियों को, व्यापारी भी अपने मास्क वगैरह बांट रहे हैं और इसका जो स्प्रे भी करवा रहे हैं, प्रांगण में भी करवा रहे हैं नगर निगम से। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आवक होने के कारण से इसकी पूरी तरह से साफ़ सफाई तो नहीं हो पा रही, पर फिर भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। गेहूँ का भाव बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पे। कल का गेहूँ का भाव मेरे यहाँ पे है 1500 से लेके 2150 तक गया है। डॉलर चने है 5500 तक का है। आवक तो बढ़ेगी क्योंकि नई क्राप है। अभी डॉलर चना और गेहूँ का तो जो बिल्कुल आवक बढ़ेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।